यार क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है कौन सा कोर्स करूं, ऑटो कैड या सॉलिड वर्क्स। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, कैटिया करूं। जितनी जगह जाऊं उतने लोग अलग अलग तरीके कोर्स बताते हैं। बीटेक से तो जॉब लग नहीं रही है, कोर्स भी करें तो उसमें भी दिक्कत। जितने इंस्टीट्यूट पे जाएं वो उतने तरीके की बातें बताते हैं। यार कैसे पता करूं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है यार, लाइफ बड़ी बेकार हो रही है यार। हेलो दोस्तों, क्या आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं? तो आज मैं आपके लिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। दोस्तों ये प्रॉब्लम आज के टाइम पे जितने भी मैकेनिकल या सिविल इंजीनियर्स हैं, जो मैकेनिकल से डिप्लोमा या बीटेक या सिविल से डिप्लोमा या बीटेक या जो भी कैट कोर्स करने के लिए इच्छुक हैं, उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है कि वो कौन सा कोर्स करें। वो कहीं पे भी क्वेरी करने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट पे जाते हैं तो वो उतने तरह की बातें बताते हैं, आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। वो उसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं और कोई सा भी कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं जो उनके लिए सुटेबल नहीं रहता है। ठीक है, तो आज भी इसके बारे में बात करने वाले हैं ताकि आपको आने वाले टाइम में आप ये जज कर सको कि आपके आपके लिए कौन सा कोर्स सुटेबल रहेगा, किस कोर्स को करके आप अच्छी जॉब पा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डिजाइन टू फ्यूचर। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एज अ फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको कौन सा कोर्स करना सुटेबल रहेगा। तो आज के टाइम पे मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, कई तरीके के नए सॉफ्टवेयर्स भी लॉन्च हो चुके हैं, लाइक नैनो कैड, ठीक है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, जेड कैड हो गया। ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स नए तरीके के सॉफ्टवेयर्स यूज हो चुके हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा सुटेबल रहेगा। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो सबसे पहले ये देखें कि आपको किस क्या बनना है। ओके, आपको एज अ डिजाइन इंजीनियर बनना है तो सबसे पहले आप ऑटो कैड से स्टार्ट करें, ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में या करंट में जो चल रहा है सबसे ज्यादा ऑटो कैड का यूज किया जा रहा है। हाँ, अब ट्रांसफॉर्मिंग होने लगा है क्योंकि लोग 2D से 3D को जंप कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं 2D से 3D के लिए। 2D सॉफ्टवेयर से को छोड़ के लोग 3D सॉफ्टवेयर में अब डायरेक्टली उस पर डिजाइनिंग का वर्क वो करते हैं। तो लेकिन जो पहले की जो कंपनीज है जो इन्होंने लाइसेंस ऑटोकैड का ले रखा है, अब वो ऑटोकैड का लाइसेंस तो फेकिंग है तो नहीं, ठीक है, अब उनको लाइसेंस लिया है, 1-2 लाख रुपए खर्च करके उन्होंने लाइसेंस लिया है, तो ऑटोकैड तो वो यूज करेंगे करेंगे। प्लस हाँ, अगर उनको अपना एक्स्ट्रा काम करना है तो वो अनदर सॉफ्टवेयर का लाइसेंस वो परचेस कर लेंगे वो कंपनी। तो वो कंपनी जो है ऑटोकैड भी यूज कर रही है, सॉलिड वर्क या कैटिया या क्रियो भी यूज कर रही है, तो वो वहां पे 2 या 3 सॉफ्टवेयर की डिमांडिंग होगी। तो कल को वो किसी डिजाइन इंजीनियर को हायर करेगी तो वो ये सोच के हायर करेगी कि उस इंजीनियर के पास मल्टीपल स्किल हो, वो सारे सॉफ्टवेयर आते हो, ना कि केवल कैटिया या सॉलिडवर्क्स या जो 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर वो यूज करती है, उसके पास ऑटोकैड की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप बेसिक ऑटोकैड से यूज करें अगर आप फ्रेशर है तो, ठीक है। फ्रेशर में आप 2D और 3D दोनों यूज कर ले, दोनों 3D सीख सकते हैं, अदरवाइज 2D सफिशियंट है, क्योंकि एज अ मैकेनिकल की हम बात करें तो ऑटोकैड 2D सफिशियंट है, 3D को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ऑटोकैड के लिए। अब ऑटोकैड मैकेनिकल के लिए 3D ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फ्रेशर अगर आप सिविल से रिलेटेड हो या इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड हो तो आपके लिए ऑटोकैड 2D 3D वो मस्ट है, ठीक है, वो आप ऑटोकैड 2D 3D स्टार्ट कर सकते हैं। देन आप दूसरा कोर्स जो है सॉलिड वर्क्स यूज करें या फिर क्रियो यूज करें या कैडिया, कोई एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर आप लर्न कर लें, ठीक है, मतलब एक 2D और एक 3D सॉफ्टवेयर एज अ मैकेनिकल। अगर आप सिविल के हैं तो ऑटो के 2D 3D आपने लर्न किया, देन आप रेविट या फिर स्टैट प्रो कर सकते हैं। रेविट कर लें ज्यादा बेटर है क्योंकि आज के टाइम पर रेविट की सबसे ज्यादा डिमांड हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइन दोनों के लिए फेमस है आज के टाइम पे, नाउएडेज है। तो आप एज अ सिविल या आर्किटेक्चर है तो ऑटोकैड और रेविट यूज कर सकते हैं। अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड है तो ऑटोकैड, रेविट या रेविट की जगह आप 3ds मैक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। ये दो सॉफ्टवेयर पहले स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर करें, ठीक है। देन सपोज आपने फोर्थ ईयर में दो सॉफ्टवेयर आपने लर्न कर लिया, देन उसके बाद से
तीसरा सॉफ्टवेयर अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तब जाके लर्न करना स्टार्ट करें। तीसरा सॉफ्टवेयर सपोज आपकी किसी इंडस्ट्री में हायरिंग होगी एज अ डिजाइन इंजीनियर, कौन से सॉफ्टवेयर के लिए, सपोज करो आपने जो सॉफ्टवेयर लर्न कर रखा है ऑटोकैड सॉलिडवर्क्स या ऑटोकैड क्रियो या ऑटोकैड किया आप क्रियो आपने लर्न कर रखा है उस पर आपकी हायरिंग हो रखी है, आप उस पर वर्क कर रहे हो, साथ साथ उसके पैरेलल में आप कंपनी में वर्क कर रहे हो, वहां पे काम कर रहे हो, साथ साथ किसी इंस्टीट्यूट या किसी सेल्फ के थ्रू भी यूट्यूब की इतने सारे वीडियोज है उससे भी आप खुद से कोई तीसरा सॉफ्टवेयर आप लर्न करना स्टार्ट कर दो। लर्न करना बहुत जरूरी है क्योंकि डिजाइन फील्ड में अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग देन यू आर डाउन ग्रेडिंग इन डिजाइन फील्ड, ठीक है, तो आपको अपग्रेड करना मस्ट है। तीसरा सॉफ्ट आपने सपोज करो आपने ऑटो सॉलिडवर्क्स लर्न किया है देन तीसरा सॉफ्ट आपने कैटिया लर्न करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, उसके बाद से कैटिया आपने सीख लिया देन कोई एक दो महीने की गैप देके ताकि एक दो महीने गैप से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए उस सॉफ्टवेयर पे, दिन चौथा सॉफ्टवेयर आपने लर्न करना स्टार्ट कर दिया। लर्न करना पड़ेगा आपको, ठीक है, एक्सपीरियंस होने के बाद जब भी आप किसी तीसरी इंडस्ट्री में दूसरी तीसरी इंडस्ट्री में अप्लाई करोगे तो वहां पे क्या पता वहां पे और सॉल्वर्स की जगह दूसरे सॉफ्टवेयर की डिमांडिंग हो तो वो सॉफ्टवेयर आपका होगा जब भी तो आपको वो हायर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मैकेनिकल के लिए। सिविल के लिए सपोज आपने किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन की, सपोज करो आपने ज्वाइन किया किसी इंडस्ट्री में जो ऑटोकैड और रेविट पे वर्क करता है, ठीक है, देन आप स्टार्ट कर दो स्टैट प्रो लर्न करना, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रेस एनालिसिस या लोड एनालिसिस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है वो स्टैट प्रो, आप स्टैट प्रो लर्न करना स्टार्ट कर दो, या फिर ऑटोकैड स्टैट प्रो आपने लर्न कर रखा है तो रेविट लर्न करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, या फिर 3ds Max लर्न करना स्टार्ट कर दो, तो आपको लर्न करना पड़ेगा। देन हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ऑटोकैड सफिशियंट है और साथ में अगर आपने ऑर्केड सीख रखा है तो वो आपके लिए एडवांस है क्योंकि वो किसी भी डिजाइनिंग के लिए सर्किट डिजाइनिंग के लिए काफी फेमस सॉफ्टवेयर है ऑर्केड। ऑर्केड भी आप लर्न करना स्टार्ट कर दो, अगर आपने ऑटोकैड सीख लिया उस पर कहीं वर्क कर रहे हो देन आप ऑर्केड भी लर्न करना स्टार्ट कर दो, वो आपके लिए एडवांस रहेगा क्योंकि अगली इंडस्ट्री में किसी दूसरी इंडस्ट्री में आप उस कंपनी को छोड़ के दूसरी जगह आप अप्लाई करो तो वहां पे अगर सपोज डिमांडिंग है ऑर्केड की तो पहले से आपको आता रहेगा ऑर्केड, तो आपके लिए एड ऑन है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो ऑर्केड आप लर्न करना स्टार्ट कर दो अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हो तो। अब हम बात करते हैं CAE सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, लाइक एनसिस हाइपरमेश, ठीक है, ऑप्टीस्ट्रक्ट इस टाइप के सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं, एनएक्स नेस्टम उनके बारे में बात करते हैं। तो सपोज करो आप मैकेनिकल से हो और आपने दो सॉफ्टवेयर या तीन सॉफ्टवेयर लर्न कर लिए, ठीक है, देन दो सॉफ्टवेयर कैट किस आपने लर्न किया देन आपको जाना पड़ेगा CAE सॉफ्टवेयर के ऊपर क्योंकि CAE कैट से थोड़े से हाई लेवल पे है। एज अ डिजाइन इंजीनियर के बाद से अगर आप और हाई लेवल पे जाना चाहते हो तो आप CAE सॉफ्टवेयर को लर्न करना स्टार्ट कर दो, लाइक एनसिस या हाइपरमेस या फिर एनएक्स नेस्टम आप यूज कर दो जिसमें स्ट्रेस या लोड कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं। सपोज आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वो आपको कहते हैं कि डायरेक्टली आपको सॉलिडवर्क्स और एनसिस लर्न करना स्टार्ट कर दो, ऑटोकैड मत करो, तो नहीं ऐसा मत करो, अब बेसिक से लेकर चलो ऑटोकैड देन सॉलिडवर्क्स, वो करने के बाद से आप जॉब करो फिर जाके एनसिस पे लर्न करना स्टार्ट करना, डायरेक्ट एनसिस मत करना क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री एज अ फ्रेशर एनसिस पे जॉब नहीं देती क्योंकि एनसिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एनसिस पे जो वर्क होता है वो किसी फ्रेशर को वर्क करने नहीं दिया जाता है। जब कैंडिडेट को अच्छे एक्सपीरियंस हो जाते हैं सिमुलेशन पे डिजाइनिंग पे अच्छे एक्सपीरियंस हो जाते हैं देन उनको एनएक्स या एनएक्स नेस्टम या हाइपरमेस या एनसिस या किसी अदर CAE सॉफ्टवेयर पे वर्क करने के लिए हायर किया जाता है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस होने के बाद सपोज दो साल तीन साल का एक्सपीरियंस हो गया देन आप उसके बाद से CAE सॉफ्टवेयर लर्न करना स्टार्ट करना, एनसिस या हाइपरमेस या ऑप्टीस्ट्रक्ट या एनएक्स नेस्टम। तो ये रहा मेरा जो ओपिनियन था जॉब ओरिएंटेड व्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब सपोज आपका खुद का कोई वर्क है तो फिर उसके लिए आप खुद डिसाइड करो कि आपका किस टाइप का वर्क है। सपोज आपका बिजनेस है कि आपके बिजनेस में आप कोई मशीनिंग वर्क करते हो, ठीक है, आपके बिजनेस में आप कोई शाफ्ट पे मशीनिंग वर्क करते हो, लेथ मशीन का कोई ऑपरेशन करते हो, तो उसके लिए आपको सिंपल पार्ट मोल्डिंग से रिलेटेड वर्क होगा। तो पार्ट मोल्डिंग के लिए आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर चूज कर सकते हो जैसे कैटिया या फिर सॉलिडवर्क्स। सॉलिडवर्क्स काफी ईजी है अगर आप प्योर किसी मैकेनिकल या सिविल मैकेनिकल या किसी अदर ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ब्रांच से नहीं हो तो आप सिंपल सॉफ्टवेयर सॉलिडवर्क्स यूज कर सकते हो, ठीक है, तो वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो आप खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका किस टाइप का वर्क है। इंडिविजुअली किसी
सॉफ्टवेयर किसी मॉड्यूल पर वर्क करना चाहते हो तो आप खुद डिसाइड करो किस टाइप का वर्क आपको चाहिए, उस हिसाब से आप सॉफ्टवेयर चूज करो। इसके लिए मैंने पहले ही अपने वीडियो, उसके लिए अलग से मैंने वीडियो बना रखा है कि कौन से सॉफ्टवेयर किस टाइप के वर्क के लिए फेमस है। ऐसे फिर भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, जैसे सॉलिडवर्क्स जो है पार्ट मॉडलिंग असेंबली रेंडरिंग के लिए फेमस है, ठीक है, वैसे ही कैटिया जो है सर्फेस मॉडलिंग के लिए फेमस है, क्रियो जो है शीट मेटल मॉडलिंग के लिए फेमस है। तो आप इस बेसिस पर डिसाइड कर सकते हो कि आपका किस टाइप का वर्क है, तो उस हिसाब से आप वो सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट की बातों में मत आना, क्योंकि आज के टाइम पे हर एक इंस्टीट्यूट अपने पैसे बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो आप खुद से जज करना कि आपको क्या करना है। मैंने जो टेक्निक बताई है, जो मैंने तरीके बताए और जो मैंने सजेशन दिया है आपको, उस बेसिस पे आप डिसाइड करना कि आपको क्या करना चाहिए। आप खुद से वो डिसाइड करना कि आपको आने वाले टाइम में इंडस्ट्री में किस तरीके के वर्क करने हैं या किस टाइप का फ्यूचर आपको चाहिए। तो आप जो मैंने सजेशन दिया उसके बेसिस पे आपको से डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। कोई इंस्टीट्यूट आपसे कहे कि नहीं आप ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, एक साथ चार पांच सॉफ्टवेयर बता दिया 40-50 हजार का, वो कर लो, ऐसा कोई नहीं, ठीक है। आप बेसिक से लेकर चलो, धीरे धीरे करते हुए चलो, एक साथ सारे सॉफ्टवेयर सीख लेना कोई महारत हासिल करना नहीं होता है। क्योंकि कई सारे इंस्टीट्यूट में मास्टर कैड कोर्स होते हैं जिसमें चार पांच सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, कैटिया, एनसिस, क्रियो, सब सिखा देते हैं वो। लेकिन क्या फायदा है दोस्तों कि आपको दो सॉफ्टवेयर में भी कोई ढंग की नॉलेज ना हो, आप पांच सॉफ्टवेयर सीख के क्या उखाड़ोगे, कोई फायदा नहीं है ऐसा। तो आप स्टार्टिंग से लेकर चलो, स्टार्टिंग में दो सॉफ्टवेयर सीखो, उस पर अच्छे स्किल डेवलप करो अपने, ऐसा स्किल कि कहीं से भी कोई भी पूछे आप उसको अच्छे से सेटिस्फाइड कर सको, अच्छे से रिस्पॉन्स दे सको, ठीक है। देन उसके बाद से आप उस पर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, देन उसके बाद से आप दूसरे सॉफ्टवेयर को लर्न करना स्टार्ट करो। तो धीरे धीरे ये करना पड़ेगा, एकदम से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप इंस्टीट्यूट के चक्कर में मत पड़ना, जो अगर आपसे कहे, जो भी इंस्टीट्यूट कहे कि आप चार पांच सॉफ्टवेयर कर लो 40-50 हजार का, 50-60 हजार अपने पैसे बनाने के चक्कर में लगे रहेंगे, लेकिन उनको आपको नहीं पता चलेगा कि वो आपका जेब काट रहे हैं, आपको नॉलेज कुछ नहीं देंगे। तो आप बेसिक से लेके चलो, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप मेरे YouTube चैनल पे कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट को बता सकते हो, मैं उसको क्लियर करूंगा। और दोस्तों आज के वीडियो को देखने के बाद से होप आपको काफी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, अब आप खुद से जज कर सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ये वीडियो दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ये वीडियो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।